वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं यहाँ पे सुजाता डायनामिक मिक्सर ग्राइंडर का अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ, जिसे मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। देख सकते हैं आप, इस तरह से कुछ इसका बॉक्स है। देखिए, 900 वाट का मोटर है इसमें, जो कि बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बॉक्स को चारों तरफ से दिखाती हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे आप। ये देखिए, चारों तरफ से इसका यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ किया गया है। मोटर्स N3 जार्स के हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये बहुत ही अच्छा होता है। अधिकतर किचन में या रेस्टोरेंट में इसी ब्रांड का सुजाता का ही यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। तो ये देखिए, मैंने इसका प्लास्टिक हटा दिया, आप देख सकते हैं चारों तरफ से। ये देखिए, इसका प्राइस है 7650, पर ये आपको डिस्काउंट में, अच्छे खासा डिस्काउंट में ऑनलाइन मिल जाएगा। 5500 आसपास आपको डिस्काउंट में इसका जो रेट है वो मिल जाएगा आपको। इस देखिए, चारों तरफ से मैंने इसको आपको दिखा दिया है। अब हम इसका बॉक्स खोल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बॉक्स में सारे डिटेल्स दिए गए हैं। अब हम बॉक्स को ओपन करते हैं। ये देखिए, मैंने बॉक्स को खोल लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके सारे डिटेल्स इस पैम्पलेट्स में दिए हुए हैं। और ये देखिए, ये सारे पैम्पलेट्स हैं जिसमें आप डिटेल्स देख सकते हैं, जान सकते हैं और किस में किस जार में क्या पीसना है, ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई हैं। और ये रहा सुजाता का फैन, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। इसके पैम्पलेट्स भी हैं यहाँ पे, और मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाती हूँ। ये सुजाता का मिक्सर ग्राइंडर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और ये देखिए, सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। पर मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाली हूँ ये सारी डिटेल्स, यहाँ पे एक एक चीज़ खोल के दिखाने वाली हूँ। ये रहा ब्लू कलर का स्पेचुला, जिससे आप इसका ब्लेड चेंज कर सकते हैं और इसे क्लीन भी कर सकते हैं जार को। और इसमें 2 ईयर्स का वारंटी है, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ईयर्स वारंटी, और ये चलता बहुत ही अच्छा है। इसका मोटर बहुत ही अच्छा है, ये 15 से 20 साल चल जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे 3 जार है और एक मोटर दिया गया है, इस तरह से देख सकते हैं आप जार को। देख सकते हैं, ये देखिए, इसके जो कॉपलर्स है अल्मोनियम के हैं। बाकी मिक्सर में ये प्लास्टिक का होता है, उससे वो ख़राब हो जाता है। यहाँ पे अल्मोनियम के दिए गए हैं। और ये देखिए, जार्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। ये ड्राई जार है, जिसमें हम सूखा चीज़ को पीस सकते हैं। और यह रहा सबसे बड़ा वाला जार, जिसमें हमें बैटर वगैरह मिडली का पीसना रहता है तो हम पीसते हैं। ये देखिए, 1.5 लीटर का है, और इसके कपलर्स नायलॉन के बने हुए हैं, ब्लैक कलर के। और जो वाइट पोर्शन आप देख रहे हैं, वो मेटल का है, बिल्कुल भी प्लास्टिक नहीं है, जिससे ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और ये चटनी वाला जार है, आप देख सकते हैं, इसमें भी जो कपलर्स है वो नायलॉन के हैं, एंड जो वाइट पोर्शन है वो मेटल का है, और ये जिसका जो बॉडी है वो स्टेनलेस स्टील का है। तो ये देखिए, इसके जो मोटर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, डुअल मोटर है इसमें। और ये देखिए, एग्जॉस्टर लगा हुआ है, जिससे कि ये मशीन ठंडा रहता है। और इसमें कॉपर वायरिंग किया गया है, जिससे ये मशीन जल्दी, जो मोटर है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। देखिए, मैं आपको चारों तरफ से दिखा देती हूँ। ये डायनेमिक का जो मिक्सर ग्राइंडर सुजाता का है, बहुत ही अच्छा होता है। और इसका जो नॉब है, ये 360 डिग्री रोटेट करता है, और बिल्कुल भी ज़्यादा साउंड नहीं करता है। और एक अलग से भी यहाँ पे आपको बटन दिया गया है, जिससे आप थोड़ा कुछ रहेगा तो उसे आराम से पीस सकते हैं बिना नॉब को घुमाए, इस तरह से बटन को प्रेस करके। मैं आपको चला के भी दिखाऊंगी अभी ये। और ये देखिए, 2 एक्स्ट्रा ब्लेड दिए गए हैं, जिसमें एक आप चॉपिंग वगैरह कर सकते हैं वेजिटेबल्स, और दूसरे से स्मूथी वगैरह बना सकते हैं। तो ये देखिए, इससे सबसे बड़ा वाला जो जार है, देखिए इसका ब्लेड कितना अच्छा है, और जो बॉडी है स्टेनलेस स्टील का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये कॉपलर्स नायलॉन के हैं। और देखिए, ये चटनी का जार है, इसका भी आप देख सकते हैं। ये देखिए कॉपलर्स, और वाइट पोर्शन जो है वो मेटल का है, प्लास्टिक का नहीं है। और ये देखिए, इसके जो ढक्कन वगैरह भी हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और ये देखिए, ये जार है, ये देख सकते हैं, ये ड्राई पीसने के लिए है, ड्राई सूखा चीज़ हम इसमें पीस सकते हैं। देख सकते हैं आप, ये भी बहुत ही अच्छा है, और काफ़ी बड़े बड़े हैं सारे जार। और ये देखिए इसका ढक्कन, ये जो ड्राई वाला जार है वो 1 लीटर का है, और ये जो सबसे बड़ा वाला जार है, देखिए जिसका ढक्कन मैं आपको दिखा रही हूँ बैटर वगैरह के लिए, वो 1.5 लीटर का है। और ये देखिए मशीन, मैं आपको भी साउंड सुनाती हूँ इसका। देखिए साउंड बिल्कुल भी ज्यादा नहीं आ रहा है इसमें से। और ये देखिए छोटा वाला, इस तरह से अगर कुछ पीसना है थोड़ा बहुत, तब इसे प्रेस करके पीस सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस प्रेस करके हमें छोड़ देना है।
तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको